कोरोना काल से हम लोग नेट का उपयोग करना बहुत अच्छे से सीख गए हैं। घर में बैठ के काम करना, घर में बैठ के मीटिंग करना, लोगों से हूबहू बात करना, बहुत सारे कार्यों को एक साथ मिलकर करने की, बात करने के लिए सबको समूह में शामिल करना, ये सब चीज़ें कोरोना ने हमको सिखा दी और ख़ास तौर से नेट के बारे में। फिर भी एक आंकड़े बताते हैं कि 4 या 5% ही नेट का सही सदुपयोग हो पाता है, बाकी जितना परसेंटेज बचा है वो नेट के बारे में लोग जानते ही नहीं, और जानते भी हैं तो वो सब जो नेट की प्रोसेस है, क्रियाएं हैं, वो सब एक दूसरे कार्यों में यूज़ होती हैं, उनको जनरली जो नेट जानते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आंकड़े बताते हैं, हम लोग जो कार्य करते हैं वो सरफेस वेब पे काम करते हैं, मगर एक वेब होती है जिसको कि हम लोग डीप या डार्क वेब कहते हैं, जिसका कि जनरली उपयोग बहुत ही ऐसे कार्यों में होता है जो कि अमूमन उसका उपयोग नहीं होना चाहिए, जैसे कि ड्रग्स के बारे में ख़रीद फरोख्त करना, हथियारों की ख़रीद फरोख्त करना, बहुत से ऐसे गैर कानूनी काम करना। ये जो डार्क वेब है ये इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व करती है जो देखा जाए तो सामाजिकता को नहीं दर्शाती है। इस वेब के माध्यम से बहुत से फ्रॉड होते हैं, बहुत से क्राइम होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एक जनरल वेब के यूज़ में नहीं होती हैं। आप सब लोग जो भी नेट यूज़ कर रहे हैं उन सबको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, और ख़ास तौर से जो डीप या जो हमारी डार्क वेब है उससे जो है एकदम सतर्कता के साथ इसमें जो है अपने को दूर रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये जो वेब है ये वास्तव में एक ऐसी वेब है जो हमको अंधेरे की तरफ ले जाती है, इसीलिए इसको डार्क वेब कहते हैं। एक जागरूकता के प्रति आप लोग जागरूक रहिए, और नेट का सही और सही क्या बिल्कुल जागरूकता के साथ सतर्कता के साथ उपयोग कीजिए, यही हमारा नेट के प्रति एक रुझान और सही उसका उपयोग है। एक अपील, राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।